झारखंड हमेशा गौ तस्करों के निशाने पर रहा है। इधर हाल के वर्षों में गौ तस्करों के हौसले परवान चढ़े हैं। इनके हौसले इस कदर बढ़ गए कि कुछ माह पूर्व एक महिला दरोगा संध्या टोपो को कुचलकर हत्या कर दी गई। गौ तस्कर एक बड़ा सिंडिकेट है जो देश भर में काम नहीं कर रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपराध बन चुका है और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं। और अभी हाल के 5-6 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया कि पशु तस्करों पर अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस जो तस्कर होते हैं, जो जानवर ले जाते हैं, उसको रोकेगी नहीं। यह गौ तस्करों का मनोबल और हौसला बढ़ाने वाला आदेश है। सभापति महोदय, हम गाय को पूछते हैं, गाय हमारी माँ है, ये कोई धार्मिक आधार तो है ही है बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारी हर धार्मिक मान्यताओं के पीछे वैधानिक वैज्ञानिक आधार होता है। यही वजह है कि हम गाय को माँ पुकारते हैं। दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण में आखंड में डूबी है झारखंड की यूपीए की सरकार। गाय की तस्करी करने वालों के हौसले बढ़ाने का काम कर रही है। अब झारखंड के गौ तस्कर गाय को पश्चिम बंगाल संथाल के रास्ते बांग्लादेश भेज रहे हैं। हाल ही में प्रतिबंधित पीएफआई का भी समर्थन गौ तस्करों को रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि गौ तस्कर को राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाए और इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। यदि हमने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए, भगवान कृष्ण के देश में गौ संकट में होंगे और हमारी पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का जो आदेश है कि आप पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, सदन इसकी भर्त्सना करे। थैंक यू।